हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे और जो सीईटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाई, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है वॉल्कमैन, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर एक्सलेंडर फ्लेमिंग। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एक्सलेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर एक्सलेंडर फ्लेमिंग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन गुड एग्जांपल ऑफ एन एंटीसेप्टिक इज, एक एंटीसेप्टिक का एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है बोर्डेक्स मिक्सचर, ऑप्शन नंबर बी है डीडीटी, ऑप्शन नंबर सी है कार्बोलिक एसिड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोसाइनाइड एसिड गैस। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोलिक एसिड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। वन गुड एग्जांपल ऑफ एन एंटीसेप्टिक इज कार्बोलिक एसिड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक एंटीसेप्टिक का एक अच्छा उदाहरण है कार्बोलिक एसिड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वाटर बॉर्न डिजीज इज, जल जनित रोग है। ऑप्शन नंबर ए है कोलेरा, ऑप्शन नंबर बी है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर सी है मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी है स्मॉल पॉक्स। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलेरा। ए वाटर बॉर्न डिजीज इज कोलेरा, जल जनित रोग है कोलेरा, मीन्स हेजा, हेजा जल जनित रोग है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स इज ट्रांसमिटेड थ्रोट, एड्स के माध्यम से प्रशेषित है। ऑप्शन नंबर ए है हैंडशेक, ऑप्शन नंबर बी है कॉर्डशिप, ऑप्शन नंबर सी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एड्स इज ट्रांसमिटेड थ्रोट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से प्रशेषित होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्स इज, ऑप्शन नंबर ए है इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल, ऑप्शन नंबर बी है इन्फ्लामेशन ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स, ऑप्शन नंबर सी है इन्फेक्शन ऑफ स्किन, ऑप्शन नंबर डी है कैंसर ऑफ चिक्स। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लामेशन ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स, मम्स इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया इज कॉज्ड बाय, निमोनिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी है वायरस, ऑप्शन नंबर सी है फंगस, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोजोआ। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया। निमोनिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन बैक्टीरिया के कारण निमोनिया होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया इज ए डिजीज, निमोनिया एक बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए है हार्ट, ऑप्शन नंबर बी है लंग्स, ऑप्शन नंबर सी है किडनी, ऑप्शन नंबर डी है स्टमक। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लंग्स। निमोनिया इज ए डिजीज ऑफ लंग्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए वायरल डिजीज, कौन सी एक वायरल बीमारी है? ऑप्शन नंबर ए है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर बी है डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर सी है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी है मलेरिया। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा एक वायरल बीमारी है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन्डिक्स अफेक्ट्स, पीलिया प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी है लीवर, ऑप्शन नंबर सी है किडनी, ऑप्शन नंबर डी है हार्ट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीवर। जॉन्डिक्स अफेक्ट बाय लीवर्स, पीलिया लीवर को प्रभावित करता है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिका इज ट्रांसमिटेड थ्रोट, एंट अमीबा हिस्टोलिका एक माध्यम से प्रशेषित है। ऑप्शन नंबर ए है इंसेक्ट बाइट, ऑप्शन नंबर बी है बर्ड ड्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर सी है स्वेट, ऑप्शन नंबर डी है फूड और वाटर कंटेमिनेटेड विद सिस्टिस। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फूड और वाटर कंटेमिनेटेड विद सिस्टिस। एंट अमीबा हिस्टोलिका इज ट्रांसमिटेड थ्रोट फूड और वाटर कंटेमिनेटेड विद सिस्टिस।
तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चंस। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स ये वाले क्वेश्चन सीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।